कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं, बहुत तेज हो रहा है। खड़ा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी V5 की। सो गाइस, इस स्मार्टफोन में आपको बेटर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा, इसीलिए इसमें आपको काफ़ी बेटर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर हम बात करें इसके बैक डिज़ाइन को लेकर, तो वो आपको काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा हॉनर V35 के जैसा ही। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस, प्राइस रेंज को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर ही पंच होल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा या फिर 60 हर्ट्ज का। सो गाइस, बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो उसके बारे में भी अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन गाइस इसमें आपको या तो स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर देखने को मिल सकता है या फिर मीडियाटेक का, लेकिन इसमें आपको जो भी प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो 5G इनेबल्ड होने वाला है। 6GB 128GB एंड 8GB 256GB के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर रहने वाला है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ 30 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले ये स्मार्टफोन चाइना मार्केट में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद ये आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो गाइज ये स्मार्टफोन आपको 20 से लेकर 25,000 तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो गाइज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन का कौन सा फीचर बेटर लगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो गया, पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।